वेलकम टू द सुपर एंटरटेनमेंट चैनल। ड्रामा सीरियल बंदे एक डोर से की एपिसोड 29 में आप लोग देखेंगे। रोशनी की माँ को रोशनी पर शक होने लगा। वो अपनी बेटी से पूछती है, हर वक्त क्या तुमने उमर उमर की रट लगा के रखी है? आज तो मुझे बता ही दे, आखिर कौन है ये उमर और तेरा क्या लगता है? जिसके बाद रोशनी की माँ सारी हकीकत को जान लेती है और वो रोशनी को खूब डांटती है। रोशनी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होता है कि मैं जो भी गेम खेलती हूँ, जो भी खेल खेलती हूँ, मेरी माँ मेरा बना बनाया खेल ख़राब कर देती है। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। तो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मोनस, जो कि माही की वजह से मिलता है उमर से, और वो उमर को बताता है कि तुम्हारे माँ बाप के बारे में जो बात भी हुई थी वो सब माही ने नहीं बल्कि रोशनी ने की थी। मोनस की ये बात सुनते ही उमर एक बार फिर से तस्दीक करता है और पूछता है कि ये जो कुछ भी तुमने कहा ये सच है? जिसके बाद मोनस उससे बताता है, हाँ बिल्कुल सच है, बल्कि माही तो खुद अम्मी से झगड़ा कर रही थी कि वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, खुदा के लिए आप उनको बुरा भला मत कहें। जिसके बाद उमर को शिद्दत से एहसास होता है जिस रोशनी पर वो भरोसा करता था, प्यार करता था, उस रोशनी ने यह सब कुछ किया और माही बेचारी बेकसूर थी और उसके साथ इतना जुल्म कर दिया मैंने। सो व्यूअर्स, आप लोगों को अब क्या लगता है, क्या उमर माही से मोहब्बत करने लगेगा? क्या वो माही से अपने किए की माफ़ी मांगेगा और रोशनी से खफा होगा? अपनी कीमती राय का जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और क्या रोशनी छोड़ देगी पीछे उमर का या नहीं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए सुपर एंटरटेनमेंट। अल्लाह हाफिज़।